अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाने वाले हैं पेरी पेरी चिकन, साथ सॉस भी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च, बीज निकाल के भिगो दिया है गर्म पानी में, और लाल गोल मिर्च ली है, उनको भी गर्म पानी में एक घंटे के लिए भिगोया। ब्लेंडर जग में शामिल किया दोनों मिर्चों को, एक चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च, एक चाय का चम्मच मिक्स हर्ब या ओरिगानो भी ले सकते हैं, एक चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक, एक खाने का चम्मच सिरका, दो खाने के चम्मच लेमन जूस, दो खाने के चम्मच बारबेक्यू सॉस, छः खाने के चम्मच तेल शामिल किया, दो चाय के चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट शामिल किया। मेरे पास पेस्ट था, मैंने डाला है, आप अदरक लहसुन चॉप करके भी डाल सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छी तरह पीस लें। पेरी पेरी सॉस तैयार है, अब इसे प्याली में निकाल लें। इस सॉस में हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैंने सिरका नमक अदरक लहसुन वाले पानी में एक घंटा पहले रखा है, अब इन्हें निकाल लिया है। अब चिकन मैरिनेट करेंगे। सॉस में से दो खाने के चम्मच बचा लिया है और बाकी सारी सॉस चिकन पर लगाकर चार घंटे के लिए रख देंगे। तीन से चार घंटे के लिए मैरिनेट करें। अब चिकन फ्राई करेंगे। कढ़ाई में पहले मक्खन शामिल करें दो खाने के चम्मच, साथ ही एक खाने का चम्मच तेल भी शामिल करें ताकि मक्खन जले नहीं। मक्खन गर्म हो जाए तो फिर चिकन को रखें और 10 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करें। दस मिनट हो चुके हैं तकरीबन, अब चिकन का साइड चेंज कर लेंगे। ग्रेवी कम होने लग जाए तो बाकी बचा हुआ मसाला जो बचा है, सॉस बची है, वो भी शामिल करके दोबारा दम वाली आंच पर चिकन को पकाएं। मैंने जो सॉस बची थी वो भी शामिल कर दी है। दही लिया आधा प्याली, इसमें जो हमने दो खाने के चम्मच सॉस बचाई थी वो शामिल करें। अच्छी तरह मिक्स करके साथ सर्व करें। सॉस तैयार है, आप ये पेरी पेरी चिकन के साथ सर्व करें। आप लोग भी बनाएं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।